સુરતના કાપોદરા ખાતે રહેતા બ્રેન્ડેડ યુવાનના અંગોનું દાન કરી પરિવારે 5 વ્યક્તિઓના નવજીવન આપ્યું છે। સુરતથી હવાઈ માર્ગે 120 મિનિટમાં 287 કિલોમીટરનું અંતર કાપી યુવકના ફેફસાનું મુંબઈના આધેને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું હતું। સાથે જ અમદાવાદની હોસ્પિટલના 2 દર્દીઓને યુવકની કિડનીઓ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાશે, જ્યારે યુવકની બંને આંખોને સુરતની ચક્ષુદાન લોકદ્રષ્ટિ બેંક દ્વારા સ્વીકારાયું છે। मूल राजकोट वतनी और सूरत कापोदरा साईनाथ सोसायटी में रहते 28 वर्षीय जय दिनेशभाई खेरड़िया प्राइवेट कंपनी में फरज बजावतो हतो। गई 30मीए ब्रेन हेमरेज निदान थता तबीबोए तेने ब्रेन्डेड जाहिर कर्यो हतो, जे बाद डोनेट लाइफ ने टीम द्वारा परिवार ने अंगदान विषय समझाव्युं हतुं। ब्रेन्डेड युवकना परिवारे युवान अंगोनुं दान करवा निर्णय कर्यो हतो, त्यारे सोटो द्वारा किडनी अमदावादनी स्टर्लिंग हॉस्पिटल ने अने रोटो मुंबई द्वारा फेफसा मुंबईनी ग्लोबल हॉस्पिटल में फाळवाया हता। सूरत में डायमंड हॉस्पिटल ने मुंबई नु 287 किलोमीटर नु अंतर 120 मिनिट में हवाई मार्गे कापी ने मुंबई अंधेरी ना रहीवासी 57 वर्षीय आधेड़ में मुंबईनी ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कराई रही है। जयरे दान में मेलवामां आवेली बन्ने किडनीओनु ट्रांसप्लांट अमदावादनी स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 2 जरूरियातमंद दर्दीओ में कराशे। फेफसा समयसर हवाई मार्गे मुंबई पहोंचाड़वा माटे डायमंड हॉस्पिटल थी सूरत एरपोर्ट सुधीना 18 किलोमीटरना मार्गनो ग्रीन कॉरिडोर सूरत शहर पुलिसे बनाव्यो हतो। किडनी रोड मार्गे अमदावाद पहोंचाड़वा माटे डायमंड हॉस्पिटल थी अमदावादनी स्टर्लिंग हॉस्पिटल सुधीनो 272 किलोमीटरना ग्रीन कॉरिडोर सूरत पुलिस अने राज्यनी पुलिसना सहकारथी बनाववामां आव्यो हतो। चेतन पटेल, हिंद टीवी न्यूज, सूरत।